कश्मीर कमाने गए बगहा पुलिस जिले के 8 मजदूरों की मौत सड़क हादसे में हो गई है। जानकारी के मुताबिक कश्मीर के NH 44 से रामबाड़ के समीप गुरुवार की देर रात घटना हुई है। मिली जानकारी के अनुसार एक बोलेरो पर 10 लोग सवार थे। गुरुवार की देर रात जम्मू से कश्मीर जाने के क्रम में रामबाड़ के समीप तेज आंधी और पानी के कारण बोलेरो 300 फीट नीचे गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 10 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है। मृतकों में अधिकांश लोग बगहा अनुमंडल के हैं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार मृतकों में 4 पेपरासी प्रखंड के हैं, 1 भैरोगंज का थाना एवं सिरसरिया नौरंगिया थाने का है और 1 व्यक्ति कैलाश नगर थाना पटखौली का निवासी है। हालांकि इन नाम की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। पेपरासी की प्रखंड के सेमरा लबेदाहा पंचायत की मुखिया मनोरमा देवी ने कहा कि सेमरा लबेदाहा के भैसाइया गांव से 2 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है। उन्होंने बताया कि सेमरा लबेदाहा के 2 मजदूर कश्मीर गए थे। मजदूरों की मौत की सूचना पर घर परिवार में कोहराम मच गया। अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। अभी परिजनों को भी मौत की कोई सूचना कश्मीर से नहीं मिली है। परिजन कश्मीर में रह रहे अन्य मजदूरों से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन उनसे भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। जानकारी के अनुसार पिपरासी प्रखंड के सेमरा लबेदाहा पंचायत के भैंसिया गांव निवासी इंद्रजीत बीन और अवधेश बीन अपने बहनोई मौसेरे भाई के साथ कश्मीर जा रहे थे। इस दौरान रामबाड़ के समीप घटना हुई, जिसमें गांव के इंद्रजीत बीन और अवधेश बीन भैरोगंज के जोड़ा पाकड़ निवासी विपिन मुखिया की मौत की सूचना मिल रही है। घटना की सूचना मिलते ही प्रधानमंत्री ने इस घटना पर दुख जताया है। मृतकों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। साथ ही प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। बगहा से रवीश मिश्र की रिपोर्ट। सूचना कैसे मिला ला? दूसरे के तो जानी सेठ बतला ना दूसरा सेठ। अच्छा, कहिया की सब गई रहला कमाए? बुध के दिन के। और का नाम पड़े? सुशीला देवी।